ये नून लीग वाले जो है ना, ये कुरान पे हाथ रखवा कर लोगों से कह रहे हैं कि आपने वोट हमें ही देना है। नून लीग वाले नु अपने उत्तर इतमाद नहीं है, इहदा मतलब ए आंदा पे सीधा सीधा गैरतमंद जड़ा हो गया ना, वो कुरान पे हाथ नहीं रखे। हाय हाय, नहीं करना चाहिए, हम तो इमरान खान को ही देंगे। नहीं, सियासत में कुरान दीन नहीं आना चाहिए, सियासत में दीन नहीं आना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। कौन सी किताब में लिखा है? आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि आपने वोट हमें ही डाला। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये उन्होंने पता क्या सिया अर्जन, ये अपने खाने के लिए ना सब चोर ले हुए हैं, मिले हुए हैं बस, अपनी कुर्सी की खातिर तौबा नौज़ बिल्लाह, तौबा नौज़ बिल्लाह, बड़ा बड़ा कुछ कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुजरा। नाज़रीन, नून लीग के रहनुमा हैं, सियासत बड़ी अजीब हो गई है, यानी यकीन उठ गया है, हर चीज़ से यकीन उठ गया है, अवाम का लीडरों से उठ गया है, लीडरों का अवाम से उठ गया है, बड़ा अजीबोगरीब सा मामला हो रहा है। यानी कि नून लीग के रहनुमा हैं और कुरान पर हलफ ले रहे हैं कि आपने मुझे ही वोट देना है, मेरा ही साथ देना। ज़रा वीडियो देखिएगा। बासित बुखारी के हर फैसले, बासित बुखारी साहब के हर फैसले, 272 के हवाले से, 272 के हवाले से, 273 के हवाले से, 273 और एनए 177 के हवाले से, एनए 177 के हवाले से इसके साथ हैं, इसके साथ हैं। हम इस कुरान शरीफ पे हाथ रख के, हम इस कुरान पाक पे हाथ रख के अपने ईमान की कसम उठा के देते हैं। देख लिया आपने वीडियो, कहां तक मामला चला गया है कि कुरान उठवाया जा रहा है, नून लीग वाले इतने डरे हुए हैं, या मसला क्या मसला है, ये लीडरों को इतनी परेशानी क्यों है? बासित साहब हैं ये मुजफ्फरगढ़ के, और कुरान पे हाथ रखवा कर कह रहे हैं कसम दे दो मुझे कि मेरे ही साथ दोगे। आइए लोगों से बात करते हैं कि हमारी सियासत कहाँ जा रही है। भैया क्या कह रहे हैं ये नून लीग वाले जो है ना, ये हलफ उठा रहे हैं, कुरान पे हाथ रखवा कर लोगों से कह रहे हैं कि आपने वोट हमें ही देना है और हमारा ही साथ देना है। यहाँ तक पहुँच गई है नौबत, यहाँ तक आ गई है। अस्तगफार अस्तगफार, लेकिन नौबत इतों तक आनी नहीं चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अगर इन्होंने अपने उत्ते इतमाद है तो तेरा लेना लड़न, इलेक्शन लड़न है बस, होर असी इन्हें कुछ नहीं कह सकते। कुरान ते हाथ किसी ने भी नहीं रखना, और जिहड़ा उन्हां दे नाल होएगा वह रखेगा, साढ़े वर्गा नहीं रखेगा। हैरान कुन बात है यार, कि मैंने वीडियो दिखाई है कि कुरान पे हाथ रखवा रहा है कि मेरे ही साथ दो। फिर नून लीग वाले नु अपने उत्तर इतमाद नहीं है, इहदा मतलब ए आंदा पिया सीधा सीधा। असल बात ये है कि अपना इतमाद नहीं है, नहीं है, यकीन नहीं है, नहीं खुद पर यकीन है, अल्लाह पर यकीन रखें। अगर आपकी जीत है ना तो आपको कोई नहीं मना कर सकता। और ये आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना कुरान पाक का, ये अलफ गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आज तो दिहाड़ी खूब लग रही है। शुक्र अल्लाह, मेरिया काफी भैन खलोतियां ने, शुक्र अल्लाह, कोई लै भी रही है ना गैमी इधर दी उधर दी उधर लै रही है, लै रही है। ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਘਰ ਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਪੈਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਨਾਮ ਬਤਾਇਆ ਸਰ ਆਪਣਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਪਰਵੇਜ਼। सर क्या कहते हैं ये, क्या कर रहे हैं नून लीग वाले, ये जो रहनुमा है नून लीग के, ये कुरानों पे हल्फ ले रहे हैं लोगों से कि जी हमें वोट डालेंगे, हमारे साथ ही देना है आपने, कुरान पे हल्फ और कुरान पे हाथ रखवा रहे हैं। गैरतमंद जड़ा हो गया ना, वो कुरान पे हाथ नहीं रखेगा। आए हाय, बस जबान है, जबान की बस बात है, बस क्या खूबसूरत बात की आपने यार। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये उन्होंने पता क्या सिया अर्जन, असल गल है, ऐस कर लो, बुरी बात देखे, सियासत हमारी यहाँ तक पहुँच गई। कुरान पे हलफ देना और लेना बुरी बात, बुरी बात है वैसे। हाँ, ही हाँ वैसे ही बुरी बात, वैसे ही कहते हैं लोग कि यार कुरान सच्चा है, लेकिन अपनी कुर्सी की खातिर तौबा नौज़ बिल्लाह, बड़ा बड़ा कुछ कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है। शॉपिंग कर ली जी? मम्मा के सारे पैसे खर्च करवा दिए जी। क्या लेने आई थी मेरी बेटी? कपड़े लेने आई थी। कपड़े लेने? क्या महंगाई कैसे हो रही है? बहुत महंगाई है, बहुत। सही बात है जी, अब तो दिल ही नहीं करता ना जी। अब पता लगा पापा कैसे कमा कर लाते हैं और कैसे खर्च होता है जी। क्या कहती हैं ये नून लीग वाले जो है ना, कुरान पे हलफ रखवा रहे हैं लोगों को, कुरान पे कह रहे हैं कि हलफ रख कर, वीडियो दिखाई है मैंने कि कुरान पे हाथ रखवा के कह रहे हैं कि जी हमें ही वोट डालना है, हमारा ही साथ देना है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये करना चाहिए ऐसा? नहीं करना चाहिए, हम तो इमरान खान को ही देंगे, इमरान खान को वोट देंगे जी, खुश चाहिए। क्यों वजह? बस वो करप्ट नहीं है, वो करप्ट नहीं है नहीं जी, ईमानदार बंदा है, ईमानदार आदमी जी है। जी तो ये कुरान पे हलफ उठवाना चाहिए वैसे? नहीं नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए। बहुत कुरान पे हाथ रखवा रहे हैं आप,
नहीं नहीं, गुनाह है बहुत ज्यादा, बिल्कुल चाहिए, बहुत गलत बात है, गलत बात है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए जी। कोई पैगाम है इनके लिए, नून लीग के लिए? अल्लाह उससे जान बचाए, हमारी जान छोड़ दे। हमारा खान हम खुद बटाने बटाने को देंगे। अच्छा क्या आप कहते हैं कि ये जो नून लीग वाले कर रहे हैं, कुरान पे हलफ उठवा रहे हैं, मैंने वीडियो दिखाई है, कुरान पे हाथ रखवा रहे हैं लोगों का कि मेरे हमारा ही साथ दोगे, हमें ही वोट दोगे, जो बासित साहब हैं कोई रहनुमा नून लीग के, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा होना चाहिए, मेरा आप सबसे सवाल है कि कुरान पे हलफ उठवाना नहीं 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 ये ब्लैकमेल कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, हलफ उठाओ तो हमें ही दो, खान को वोट देगा ये, खान को देखे मेरी बात सुने, ये 13 जमातें मिल के उसका अंदर किया हुआ है, अंदर किया हुआ है ना, ये इतना पानी नहीं है इनके अंदर के ये अकेले का मुकाबला कर ले। कितनी मेरे हिसाब से तो ये अच्छा है या बुरा है ये तो आपने बताना है। हाँ जी, कुरान पे हाथ रखवा लिया, अब एक बंदा कुरान पे हाथ रख रहा है और नहीं, सियासत में कुरान दीन नहीं आना चाहिए, सियासत में दीन नहीं आना चाहिए, दीन नहीं आना चाहिए, बस ये बात। हाँ जी, बात करें ना, टेबल टॉक करें, सीधी बात करें कि ये गलत है ये सही है, राय लें आवाम से, देखें कि क्या आवाम चाहती है। ये पति क्या, ये अपने खाने के लिए ना सब चोर रले हुए हैं, मिले हुए हैं बस। वो जरदारी भी, नवाज शरीफ भी, सब चोर हैं, खान भी चोर होगा, लेकिन हम चाहते हैं हम खुद सही हों, हुक्मरान भी सही आएंगे। हुक्मरान भी सही आएंगे, बिल्कुल ठीक है, क्यों जी, गलत बात है ये, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, कुरान पे हलफ नहीं, नहीं गलत, कुरान पर हलफ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, की चीज़ का हलफ नहीं होना, ये जो नून लीग वाले कह रहे हैं कुरान पे, मैंने वीडियो दिखाई है, कुरान पे हलफ ले रहे हैं, कुरान पे हाथ रखवा के कह रहे हैं वोट हमें ही डालना है, हमारा ही साथ देना है, नहीं लेकिन ज्यादती तो हो रही है ना, आपको पता यहाँ पे किसी की नहीं, मैं ये सवाल मेरा ये है कि कुरान पे हलफ लेना चाहिए या नहीं लेना, वोट का, वोट का नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो तो जमीर का है, वो जमीर का है, अपने किसी किसको भी देना है वो अपने जमीर की बात है, सही बात है, तो कुरान पे हलफ नहीं, जिसको मर्जी दे, जिसको मर्जी दे, नहीं तो ये कुरान पे हलफ लेना चाहिए, वैसे इखलाकन गलत है, गलत है, होने नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि कुरान चुकवा लो जी, इन्हां नूं साडे साथ देना है तुसीं, इंजी करना है, बहुत बुरी बात, जिन्हें भी आना ना उन्हें अपना टट पड़ना, किसे गरीब दा सोचना नहीं है, आए आए आए, ये कुछ करो ना करो, ऐ मुल्क हैगा ऑटोमेटिक, ये कुछ करो ना करो आप ही प्रोसेस चल रहा है, जिंदाबाद, मुल्क ऑटोमेटिक है, अल्लाह चला रहे हैं मुल्क, अल्लाह चला रहा है ये मुल्क को, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस्मान भाई मुझे ये बताइएगा कि ये नून लीग की, मैंने एक वीडियो दिखाई है, नून लीग के रहनुमा हैं, बासित साहब हैं, ये मुजफ्फरगढ़ वाली साइड के हैं, अब वो लोगों से ना कुरान पे हल्फ ले रहे हैं कि वोट आपने मुझे ही डालना है, मेरा ही साथ देना है, शरप्रसंदों से फलां फलां बड़ा उसने लिया है कि जी बस आपने कुछ भी नहीं, मेरा साथ नहीं छोड़ना, कुरान पे हाथ रखवा रहा है वो लोगों से, अस्तगफिरुल्लाह, क्या कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए सियासत के अंदर, बिल्कुल भी नहीं, इस लेवल पे चले जाएं आप, ये देखें ये अवाम की राय है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि आपने वोट हमें ही डालना है, और ये दीनी जो ब्लैक मेलिंग है कि भी आप कुरान पे हाथ रखवा कर कह रहे हैं कि वोट मुझे ही डालें, ये तो गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो आपकी राय है, जिसको आपका दिल करता है ये तो आप उनको फोर्स कर रहे हैं कि आपने वोट हमें ही डालना है, क्या वजह हो सकती है कि इनकी कन्फ्यूजन है, ये एतबार नहीं है इन्हें कि भी हमें, वो डर गए हैं, उनके पास वीडियो है, ये तो देखिए वो डर चुके हैं ना, इसलिए तो इलेक्शन लेट से लेट करते जा रही हैं, ये तो आवाम खुद बताएगी जब इलेक्शन होंगे कौन जीतता कौन हारता, वोट किसको डालना, बिल्कुल सही है, ये आवाम खुद बताएगी जब इलेक्शन होता है कौन जीतता है कौन हारता है, किसको वोट डालना है किसको नहीं डालना है, ये ज़मीर का वोट होता है, कुरान पे हाथ लिख रखवा कर बासित साहब अगर अपने साथ बंदों को रुलाया जाए या किया जाए, मेरे ख्याल से अगर ज़ुबान पर मामला नहीं है, ज़ुबान पर तो रिश्ते भी हो जाते हैं, बहरहाल हमें तो ये आवाम की आवाज़ अब तक पहुँचानी थी, वो हमने पहुँचा दी है, हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, हंसी वाले ज़िंदगी गुजारें। मरियम नवाज की वीडियो देखी जिसमें उसने कहा मियां साहब मैंने जलसा किया, छतें गिर गई नीचे, इतनी आवाम थी कि नीचे ग्राउंड फुल था और लोग छतों पे चढ़े हैं और छतें गिर गई हैं, अस्तगफिरुल्लाह, इतने झूठ वो मैंने नहीं देखी, वो आप देखिए, अच्छा चले वो भी देखा वीडियो उसकी, अगर अभी मैं शो के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है, वो मुझे वो भिजवा दीजिएगा मुझे, ठीक है।
बनल जी हंसते रहे मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है, बेशक वही सब कुछ कर बेशक। मस्किनिया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके साथ है।